जस्ट इमेजिन कि आप दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ते हो ताकि आप एक घर बना सको, एक ऐसा घर जिसमें आप और आपकी फैमिली चैन से रह सके। आप दिन रात मेहनत करते हो और फाइनली इतने पैसे जोड़ लेते हो कि आप एक घर खरीद पाओ। कुछ पैसा आप देते हो और बाकी की लोन लेते हो। घर आपका होने ही वाला होता है कि आपको ये मालूम पड़ता है कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया था वो आपका तो छोड़ो बैंक तक का 34,000 करोड़ रुपए लेके भाग चुकी है। जस्ट थिंक आपकी क्या हालत होगी। DHFL एक ऐसी कंपनी जो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया के अंदर लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों को घर दिलाने के विजन से शुरू हुई थी, वो आज बैंक का 34,000 करोड़ रुपया यानी कि इस देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड करके भाग चुकी है। 2019 से लेकर 2020 तक इस एक साल के बीच में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और यस बैंक, इन दोनों बैंक्स के अंदर कैश क्रंच की बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है। इन दोनों बैंक्स के अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, जिस चीज के चलते ये दोनों बैंक RBI के सुपरविजन में आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। और बहुत बड़ी बात सामने आती है कि इन दोनों बैंक के टॉप ऑफिशियल्स और वाधवान फैमिली के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड SDIL और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन दोनों के प्रोमोटर्स वाधवान फैमिली से है और इन दोनों कंपनीज ने मिलकर बैंक से करोड़ों रुपए लूटे हैं। बात अब हाथ से निकल चुकी है, RBI का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है और यही से सिलसिला शुरू होता है इस देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का। ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब DHFL अपने 960 करोड़ लोन के इंटरेस्ट को डिफॉल्ट करती है। कंपनी का कहना था कि ये कैश क्रंच की छोटी सी सिचुएशन है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जुलाई आते आते कंपनी ने अपनी सारी की सारी रीपेमेंट्स को डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और अब तक सारे डिपॉजिटर्स कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना शुरू कर देते हैं और यहीं से इस सारे स्कीम का मामला सामने आता है। DHFL इस कंपनी के 34,000 करोड़ रुपए के स्कीम को समझने के लिए आपका इन चार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, कि DHFL का फैमिली ट्री कैसा दिखता है। नंबर टू, DHFL का वर्किंग मॉडल क्या था। नंबर थ्री, कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है। एंड नंबर फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इस पूरे स्कैम को आखिर एग्जीक्यूट कैसे किया गया। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब हमारे देश के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से कुलदीप सिंह वढ़वाल नाम के एक बिजनेसमैन मुंबई आते हैं। अब ध्यान से देखना, सो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इजीली। कुलदीप सिंह वढ़वाल के दो बेटे थे, राकेश वढ़वाल और राजेश वढ़वाल। 11 अप्रैल 1994, राजेश वढ़वाल ने DHFL की शुरुआत करी, जिसके बाद अगर आप आज देखो तो DHFL को राजेश वढ़वाल के दो बेटे कपिल वढ़वाल और धीरज वढ़वाल चलाते हैं और इनके साथ साथ उनकी डॉटर इन लॉ अरुणा वढ़वाल, वो भी इस कंपनी को चलाती है। वहीं पर दूसरी तरफ कुलदीप सिंह वाढवान के दूसरे बेटे राकेश वाढवान 1996 में जाकर HDL की शुरुआत करते हैं, जिसको आज उनका बेटा सारंग वाढवान चलाता है। DHFL के इस पूरे स्कैम के अंदर ये मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर कपिल वाढवान और मिस्टर धीरज वाढवान। लेकिन एक तीसरा भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस पूरे स्कैम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यू विल गेट टू नो अबाउट दैट इन द वीडियो। ये पूरा का पूरा स्कैम आखिर एग्जीक्यूट कैसे किया और इस पूरे स्कैम के अंदर वो तीसरा मेन प्लेयर आखिर कौन है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले DHFL के वर्किंग मॉडल को समझना होगा। DHFL एक NBFC है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ज़्यादातर लोगों को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हाउस लोन की बात हो रही है। अब ये लोग ये हाउस लोन लेने के लिए या तो बैंक्स के पास जा सकते हैं, लेकिन बैंक्स के पास जाकर लोन उठाने के अंदर ये तीन मेजर प्रॉब्लम आती है। नंबर वन, कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव पेपर वर्क होता है। नंबर टू, कि बैंक से इजीली इतने आराम से लोन नहीं मिलता और बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। नंबर थ्री एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो रूरल एरियाज़ है और सेमी अर्बन एरियाज़ के लोगों को बहुत कम ऐसे बैंक्स हैं जो बड़े आराम से लोन दे देते हैं। ऐसे केस के अंदर लोग इन NBFCs के पास जाते हैं, जहाँ पर लोगों को बहुत ही कम पेपर वर्क में बहुत ही आराम से लोन मिल जाती है और ये लोन सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लोगों के लिए NBFCs अवेलेबल करा देती है, जो कि बैंक्स नहीं करती। पर सवाल ये है कि ये जितनी भी NBFCs हैं वो पैसे कैसे कमाती है। तो अगर हम पर्टिकुलरली
DHFL की बात करें तो DHFL ने लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए बड़े बड़े बैंक से बड़े बड़े लोन उठाए। एक NBFC को बैंक से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन मिल जाता है। सो जस्ट एज्यूम कि अगर DHFL 5.5% टू 7% के इंटरेस्ट रेट पर PNB से पैसा उठाता है तो DHFL इसी पैसों से आगे लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है 8 to 12.5% के इंटरेस्ट रेट पर, और ये जो बच जाते हैं 1 to 4% का मार्जिन, ये DHFL की इनकम होती है। मोरओवर एक NBFC जैसे कि DHFL, ये लोग पब्लिक से भी पैसे उठाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, जिसमें पैसे को आगे बाकी लोगों को लोन देने के लिए चैनलाइज किया जाता है। साल 2012 तक सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था, लोगों को भी पैसे मिल रहे थे और बैंक को भी अपना लोन टाइम पर मिल रहा था। लेकिन अचानक इस साल कुछ ऐसा होता है जहां से DHFL की कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। 34,000 करोड़ रुपीस का स्कैम। इतना सारा पैसा चुराना कोई आसान बात नहीं है, जो लेके आते हैं हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ कि ये सारा का सारा स्कैम हुआ कैसे। हाउ इज़ इट पॉसिबल। 13 नवंबर 2021 यूनियन बैंक CBI के साथ एक कंप्लेन रजिस्टर करता है कि DHFL ने 14,000 करोड़ रुपीस की लोन अंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस दिए हैं, लेकिन ये लोन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। KPMG के एक ऑडिट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग DHFL ने सारा का सारा पैसा 66 अलग अलग कंपनी में ट्रांसफ़र करा, बट यू नो व्हाट, इसमें से 25 कंपनी ऐसी है जिसका ना तो कोई एड्रेस है और ना ही कोई रेवेन्यू, और यही वो जगह है जहाँ से DHFL के सारे रस खुलने शुरू होते हैं। पर इसे समझने के लिए आपका ये दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है, एंड नंबर टू कि आखिर इस पूरे के पूरे स्कीम को एग्जीक्यूट कैसे करा गया था। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस में इन तीन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। स्टेप वन, इनिशियल प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेसमैन है या कोई क्रिमिनल है जिसके पास बहुत ज़्यादा इलीगल पैसा पड़ा हुआ है, और इन पैसों को वाइट करने के लिए एक लेजिटिमेट बिजनेस खड़ा करा जाएगा। फॉर सपोज मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ और उसके बाद मैं ये सारा का सारा पैसा उस रेस्टोरेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, जिस चीज़ के अगेंस्ट मैं फेक बिल्स बनाऊँगा और फेक इनवॉइस जनरेट करूँगा, जिसके अंदर मैं ये दिखाऊँगा कि ये जो रेस्टोरेंट है उसकी ये पर्टिकुलर सेल्स हुई है जिसके बदले में ये पैसा आया है। फॉर सपोज़ मेरा रेस्टोरेंट 20,000 रुपीज़ की हर दिन की सेल्स करता है, तो मेरा एक्चुअल सेल्स का फिगर है वो है 20,000 रुपीज़, लेकिन मैंने अपना ब्लैक मनी रेस्टोरेंट में इन्फ्यूज़ करके उस सेल्स फिगर को 20,000 से बढ़ा दिया है, तो अब जो मेरी एडजस्टेड सेल्स फिगर है वो 40,000 रुपीज़ की डेली दिखेगी। अगर ऐसा है तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, और आपको टैक्सेस देने पड़ जाएंगे। वेल, नॉट रियली, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का सेकंड स्टेप शुरू होता है, और वो स्टेप है लेयरिंग। तो मैंने अपना सारा का सारा इलीगल पैसा फेक बिल्स के थ्रू अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया, जिसके चलते मेरे रेस्टोरेंट के रेवेन्यू फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं इस पैसे को रीइन्वेस्ट करूँगी, या तो मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस के थ्रू एसेट्स खरीदे जाएंगे, या फिर ये पैसे शेल कंपनीज के अंदर ट्रांसफ़र करे जाएंगे, जिस चीज़ के चलते मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा, और फिर मुझे अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मेरा सारा का सारा इलीगल पैसा मेरे रेस्टोरेंट से मेरी शेल कंपनी के पास पहुंच चुका है। शेल कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी का ना तो कुछ रेवेन्यू होता है और ना ही कोई बिजनेस होता है। ये कंपनी एज एन एंटिटी सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारी की सारी कंपनीज या तो मॉरिशियस, या तो सेशल्स, या तो केमिन आइलैंड्स, ऐसी टैक्स फ्री कंट्रीज के अंदर खोली जाती है, जिनको टैक्स हेवेंस भी कहते हैं। सो बेसिकली इन कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज है ना तो उन पर कोई टैक्सेस लगते हैं और ना ही उन कंपनीज के अकाउंट्स की कोई ऐसी खास सिक्योरिटी होती है। अब ये पैसा शेल कंपनी के अकाउंट्स में पहुंच चुका है, अब ये तीन में से कोई एक चीज़ करी जाएगी या तो तीनों की तीनों। नंबर वन, कैश विड्रॉवल्स। उस कंपनी से सारा पैसा कैश में विड्रॉ किया जाएगा, या तो उसे एसेट्स में इन्वेस्ट करा जाएगा, डिफरेंट कंट्रीज में रियल एस्टेट, स्टॉक लेना,
ये सारी की सारी चीज़ें या फिर उसी कंपनी से पैसा एक और नई कंपनी खड़ी करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपका सारा का सारा इलीगल मनी ये सारे प्रोसेस के थ्रू पूरा वाइट होकर आपकी जेब में आ जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात करें तो ये 34,000 करोड़ रुपए का DHFL का स्कैम आखिर एग्जीक्यूट कैसे हुआ? ईयर 2012 में हमारे देश में किसी NBFC को लोन लेना होता तो उसे इस दो में से किसी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, नंबर वन डेप क्रेडिबिलिटी एंड नंबर टू कनेक्शंस। DHFL के केस में डेप क्रेडिबिलिटी और कनेक्शन इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से बैंक से खूब सारा पैसा लिया गया। पार्टिकुलरली ये लोन बाकी लोगों को हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए लिया गया था, बट DHFL के केस में ये सारा पैसा लोगों के अकाउंट में ना जाकर कंपनीज के प्रमोटर्स के अकाउंट में चला गया। पर कैसे? नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ये दोनों ब्रदर्स मिलकर 2012 में अपनी कंपनी की बांजा की ब्रांड सेटअप करते हैं। DHFL हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक से खूब सारा पैसा उठाती है, जिसके बाद ये सारा का सारा पैसा DHFL की बांद्रा ब्रांच के अंदर ट्रांसफ़र करा जाता है, जहाँ से ये पैसा 260,316 अलग अलग लोन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करा जाता है, जो कि सारे फेक अकाउंट्स थे। DHFL का एक स्टैंडर्ड लोन प्रोसेस था, जिसके अंदर लोगों को पहले DHFL के पास जाना पड़ता था, जिसके बाद उनकी एक लोन रिक्वेस्ट डाली जाती थी, जो लोन रिक्वेस्ट कंपनी के डेटाबेसिस के पास पहुंचती थी। उसके बाद वो लोन रिक्वेस्ट अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट के पास जाती थी। उसके बाद वो लोन रिक्वेस्ट अप्रूवल कमिटी के पास जाती थी, जिसके बाद फाइनली वो लोन रिक्वेस्ट चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाकर वहाँ से अप्रूव होकर पास होती थी। बट ये जितने भी 2.60 लाख अकाउंट्स थे, उनका ना प्रोसेस कुछ ऐसा था। लोन रिक्वेस्ट डायरेक्ट चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पहुंचती थी, और लोन का अप्रूवल भी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अपने ईमेल पे ही दे देते थे। सी, ये स्कैम कैसे हुआ? DHFL के बांद्रा ब्रांच, जो कि सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करती थी, जिसका ऑफलाइन ऑफिस नहीं था, उस ब्रांच से 2.60 लाख अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा गया इन द फॉर्म ऑफ लोन। इसके साथ साथ 66 और अलग अलग कंपनीज के अंदर DHFL ने ये पैसा ट्रांसफर किया, वो भी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब 2.60 लाख अकाउंट्स और 66 कंपनीज, यहाँ से ये सारा का सारा पैसा शेल कंपनीज के अंदर ट्रांसफ़र करा गया, जहाँ से ये सारा पैसा कंपनी की प्रोमोटर्स की जेब में गया, जहाँ से इन प्रोमोटर्स ने अलग अलग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके और अपने ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। और ताजुब की बात तो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि कंपनी के प्रोमोटर्स जेल जा रहे हैं, बल्कि इट इज़ समथिंग वेरी कैजुअल फॉर देम। DHFL के प्रोमोटर्स बहुत बार जेल जा चुके हैं और उनको ईजिली बेल भी मिल जाती है, पर कैसे? इफ़ यू रिमेंबर देन स्टार्टिंग में वी मैंशन 3 मेन प्लेयर्स, और यहाँ पे वो थर्ड प्लेयर की एंट्री होती है। वो तीसरा प्लेयर कोई और नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट जस्ट लुक एट द इवेंट्स। 21 जनवरी 2020 को कपिल वाधवान को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है, बट अमेजिंगली उनको 22 फरवरी को बेल मिल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बेल बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रूव करती है, वो भी तब इन्फॉर्मेंस्ड डायरेक्टर ने इनके खिलाफ सारे सबूत कोर्ट के अंदर पेश करे थे। ये स्कैम 2012 से चल रहा था, लेकिन 2019 तक DHFL की क्रेडिट रेटिंग्स ज़बरदस्त थी, क्योंकि सारी रेटिंग्स एजेंसी ने DHFL को अच्छी सारी रेटिंग्स दे रखी थी। पर कैसे? 2015 में PM आवास योजना लॉन्च होती है, जिसके तहत गवर्नमेंट लोगों को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करने का वादा करती है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट बैंक्स को प्रेशराइज्ड करती है और बैंक्स DHFL को बड़ी आसानी से लोन देती है, और प्लस में सारे के सारे बैंक्स जिन्होंने DHFL से लोन उठाया था, वो सारे के सारे लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडरी मिली थी। पर क्यों? क्योंकि ये जो लोन उठाया जा रहा था वो PM आवास योजना के लिए उठाया जा रहा था, पर लोगों को ये घर बनाने का मौका मिला ही नहीं, सारा पैसा प्रोमोटर्स की जेब में चला गया। फाइनली DHFL को पिरामिड ग्रुप ने 34,250 करोड़ के अंदर खरीद कर बैंक्स का मोस्टली सारा पैसा लौटा दिया। लेकिन वो लोग जिन्होंने DHFL के स्टॉक, बॉन्ड और डिबेंचर के अंदर पैसा लगाया था, उनका क्या?
ऐसे स्कीम के अंदर गवर्नमेंट बैंक का लोड ज़्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इन बैंक्स को लोन और ज़्यादा पैसे देती जाती है, जो पैसा आप लोगों की टैक्सेस को बढ़ाकर इकट्ठा किया जाता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइबर नाउ।